हमीरपुर के मुरली मनोहर मंदिर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण विपरीत दिशा में बांसुरी बजाते हुए दिखाई देते हैं, जो कि अपने आप में रहस्य समेटे हुए हैं। वहीं बांसुरी का दूसरी दिशा में पकड़े होने के पीछे भी एक रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि जिस समय मंदिर के अंदर श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, तो महाराजा संसार चंद ने पुजारियों से कृष्ण की मूर्ति की स्थापना पर सवाल खड़े किए और कहा कि अगर सुबह तक मुझे जवाब नहीं मिला तो सभी पुजारियों के सिर काट दिए जाएंगे। जिस पर पुजारी रात भर चिंता में रहे, लेकिन जब सुबह मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को देखा तो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि बांसुरी दूसरी दिशा में घूम गई थी। पुजारियों ने बताया कि शाम के समय बांसुरी की दिशा सीधी थी, लेकिन अब बांसुरी की दिशा विपरीत हो गई है। इससे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मौजूद होने का सबूत माना जाता है। आज भी करीब 400 साल से चली आ रही इस परंपरा को निभाया जाता है और मंदिर से ही विधिवत पूजा अर्चना करके राष्ट्रीय स्तरीय होली का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। जो गोविंद हैं, जो बड़े बड़े गोविंद हैं, वो देखने के लायक हैं। जो कलाकारी इसमें महाराज संसार चंद द्वारा की गई है, वो अत्यंत ही अद्भुत है। इस मंदिर में विशेषता ये है कि ये मंदिर लाख रुपए द्वारा राजा संसार चंद द्वारा बनाया गया था और दंत कथा के अनुसार इसे लखे का मंदिर भी इसे कहा जाता है। इस मंदिर के अपने आप एक जो अद्भुत घटना इस मंदिर में जो घटी थी, जब राजा संसार चंद ने ये महल बनकर तैयार हुआ था, तो इस मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर के पुजारी ने महाराज संसार चंद को आमंत्रित किया, तो महाराज संसार चंद ने मंदिर द्वार पर जाकर कहा था कि इस मंदिर की प्राण इस मूर्ति में डले हैं कि नहीं, इसको सिद्ध करने के लिए महाराजा संसार चंद ने मंदिर के पुजारियों से कहा कि मंदिर में यदि प्राण प्रतिष्ठा भगवान के अंदर होती है तो मुझे इस बात का सबूत चाहिए, यदि नहीं हुआ तो मैं आपके द्वारा आपको दंडित करूंगा। तो रात भर पुजारियों ने सोचकर सारी मतलब जो राजपुरोहित थे वो बहुत ही संकट में आ गए। जब सुबह उठे तो मंदिर की आस्था के आगे भगवान जब कला प्रेमी थे राजा संसार चंद, उनके माध्यम से और उनका लगाव जो भगवान की तरफ था, तब सुबह उठे और मंदिर के पुजारियों ने जब भगवान के दरबार खोड़े नियमानुसार, तो उन्होंने पाया कि भगवान की जो बांसुरी थी वो उल्टी दशा में विराजमान हो गई थी, और जिसको देखकर सब लोग हैरानी जताना शुरू कर गए थे और नगर में चर्चा का भी विषय बना। क्या आज भी वो वैसी विद्यमान है मूर्ति? आज भी अगर आप देखें तो वो मूर्ति आज भी वैसे की वैसी, जो मुरली मनोहर मंदिर की उल्टी दिशा में जो बांसुरी लगी हुई है, वो आज भी वैसी की वैसी जो मूर्ति है वो लगी हुई है।